आम आदमी पार्टी हरियाणा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा को पार्टी ने कलायत हलके से टिकट दी है। पहली 20 उम्मीदवारों की लिस्ट में अनुराग ढांडा का नाम आते ही पार्टी के कार्यकर्ता बधाई देने के लिए कैथल हुड्डा सेक्टर 18 के जानकी कोठी पहुंचे और उन्हें बधाई दी। अनुराग ढांडा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आप पार्टी ने 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसका मैं स्वागत भी करता हूँ। उन्होंने कहा कि कलायत हलका जनता इस बार बदलाव चाहती है। उन्होंने सभी पार्टियों का राज देख लिया, इस बार आम आदमी पार्टी की बारी है। ढांडा ने अपना मुकाबला महंगाई एवं बेरोजगारी से बताते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे हरियाणा में और विशेष तौर पर कलायत में लोगों की सेवा का मौका दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों की सेवा करके हरियाणा के लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरे उतरेंगे। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता एक एक बूथ के ऊपर मौजूद है और पहली लिस्ट हमने जारी कर दी है। जैसा पहली लिस्ट में आपने देखा कि आम घरों के आम लोग नेतृत्व करने के लिए सामने आए हैं और लोगों के सामने हमने तीसरा विकल्प रखा है कि अगर आप नई राजनीति को अपनाना चाहते हैं, नई राह निकालना चाहते हैं, तो आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर पूरे हरियाणा में मौजूद है। हमारी बाकी लिस्ट भी हम बहुत जल्द जारी करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हरियाणा इस बार एक नई राह को, एक नए विकल्प को, अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा को अपनाएगा। और ख़ास तौर पर अगर कलायत के मुद्दों की जिक्र करें तो मैंने पहले भी कई बार ये कहा है और पिछले महीनों से जब से हम लोगों से मिल रहे हैं यहाँ पर गांव-गांव जा करके, तब से मैंने ये महसूस किया है कि कलायत के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित किया गया है। उनके जीवन स्तर को जितना नीचे ले जाया जा सकता था उतना नीचे ले जाए जाने का प्रयास हुआ है, साजिश हुई है। इस साजिश को बेनकाब करके लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करेंगे, उनके जीवन स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करेंगे, उनके बच्चों को रोज़गार का इंतज़ाम हो सके उनके लिए, उसके लिए संघर्ष करेंगे और गांव-गांव में बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करेंगे। डाटा साहब, काफी लंबे समय से रार और तकरार जारी थी और अब पता चला कि आपकी राहें अलग हो गई, कांग्रेस ने अलग राह पकड़ ली, आपने अलग पकड़ ली। देखिए, हमने पहले दिन से ये कहा है स्पष्ट तौर पर कि स्टेट यूनिट की जिम्मेदारी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर एक मजबूत विकल्प तैयार करने की थी। हमें 90 की 90 सीटों पर एक एक बूथ पर मजबूत कार्यकर्ता तैयार करने थे और चुनाव लड़ना था। हमारे पास अभी तक पार्टी हाईकमान से, सेंट्रल लीडरशिप से कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं आया गठबंधन के बारे में, इसलिए समय और स्ट्रेटेजी को देखते हुए हमने सही समय पर अपनी लिस्ट जारी कर दी है और बाकी के लिस्ट भी, बाकी के नाम भी हम बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे। सर, कहा जा रहा है कि कलायत विधानसभा को लेकर ही कयास लगाया जा रहा है, क्या उसी को लेकर के, सिर्फ गठबंधन को लेकर के भी आपका नाम था इसलिए? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि नेगोशिएशंस के बारे में मैं कुछ बता सकता हूं क्योंकि मैं उसका हिस्सा नहीं था, हमारी सेंट्रल टीम उस नेगोशिएशन का पार्ट थी। जो भी कुछ हुआ, लेकिन हम जो इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार कर रहे थे सेंट्रल लीडरशिप से, हमें गठबंधन के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन अभी तक वहाँ से नहीं मिली है, इसलिए समय को और स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए हमने अपना आगे का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। हमने 20 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है, 20 उम्मीदवारों की, और आगे भी इसी तरीके के आम घरों से आए हुए इस तरीके के मजबूत उम्मीदवार, जो कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के अत्याचार से मुक्ति दिला सकते हैं हरियाणा के लोगों को, वो आगे भी आपको अगली लिस्ट में देखने को मिलता है। क्या आपको लगता है गठबंधन का फायदा हो सकता था? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर सक्षम है चुनाव लड़ने में, मजबूत विकल्प है हरियाणा के अंदर। जनतंत्र में जनता फैसला करती है, अगर कोई नेता, कोई नेतृत्व ये सोचें कि उनके कहने से चुनाव जीते या हारे जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगा। जनतंत्र में जनता का फैसला आखिरी फैसला होता है। हमने विकल्प प्रस्तुत कर दिया हरियाणा के लोगों के सामने, वो अपनाना चाहेंगे, खुली बाहों से स्वागत करेंगे, तो जैसे दिल्ली और पंजाब में चमत्कार हुआ, वैसा चमत्कार आपको हरियाणा में भी देखने को मिले। गठबंधन के हिसाब से सिरे नहीं चढ़ी थी आपकी लोकसभा सीट, तो क्या लगता है अकेले जो है मजबूती से लड़ पाओगे? देखिए, बहुत मजबूत आम आदमी पार्टी, और हमने उससे सीख भी ली है, जो पिछले चुनाव जो भी हुए थे, हमारी जो गलतियां रही हमने उनको दुरुस्त किया है, हमारी जो कमियां रही हमने उसमें बढ़ोतरी की है, और जो अच्छाइयां रही उसको हमने और ज़्यादा बढ़ाया है। तो हमने पूरी तैयारी की है पिछले 3-4 महीने में, लोकसभा चुनाव के बाद भी पिछले 2-3 महीने में, कि हरियाणा के एक एक बूथ पर मजबूत बूथ योद्धा आम आदमी पार्टी के मौजूद हों। आज हमारा संगठन पूरे हरियाणा में सबसे विस्तृत संगठन है। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारत से ख़त्म करना है, हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करना है, जिसने हरियाणा के लोगों के ऊपर 10 साल तक अत्याचार किया। केजरीवाल बाहर नहीं है, क्या दो चेहरे सामने आ चुके हैं, रामपाल माजरा वर्सेस कमलेश ढांडा वर्सेस अनुराग ढांडा, अपनी दावेदारी को खुद में कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हम अपनी दावेदारी करने वाले कोई नहीं होते हैं। पार्टी ने मुझे मौका दिया है यहाँ से पार्टी का नेतृत्व करने का, और निश्चित तौर पर ये कलायत के लोगों को तय करना है
कि उन्हें पुरानी राजनीति के जंजाल में उलझ कर रहना है या उनको एक नई राह पर, एक विकास की राह पर, एक आगे तरक्की की राह पर, एक सुरक्षित और सुनहरे हरियाणा की राह पर उनको जाना है, ये कलायत की जनता को तय करना है। हम हाथ जोड़ के कलायत की जनता के पास निवेदन करने के लिए जाएंगे, एक एक गाँव में जाऊँगा, एक एक व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूँगा कि 5 गारंटी जो अरविंद केजरीवाल जी ने दी हैं वो हरियाणा के सुनहरे भविष्य की नींव है। उन गारंटियों के ऊपर विश्वास करके, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर विश्वास करके एक मौका कलायत की जनता आम आदमी पार्टी को दे, कभी भी उनको पछताने का मौका नहीं मिलेगा जैसा उनको पुराने राजनेताओं और पुरानी पार्टियों के साथ उनके साथ अत्याचार हुआ, उनके साथ धोखा हुआ। अनुराग जी, क्या आपको लगता है अनुराग जी की जो अभी बागी नेता है अलग अलग पार्टियों के, क्या उनको भी आम आदमी पार्टी मौका देगी? देखिए, राजनीति की बात कर रहे हैं आप, निश्चित तौर पर जहाँ भी अच्छे लोग होंगे और अगर उनके साथ उनकी पार्टी में कोई अन्याय कोई अत्याचार हुआ है, वो इलाके की जनता कहती है कि इनको चुनाव लड़ना चाहिए और पार्टी ने धोखा करके उनके साथ चुनाव नहीं लड़ाया उनको, ऐसे सभी लोगों का स्वागत है। बहुत सारे लोग हमारे साथ संपर्क में हैं, बहुत सारे लोगों से चर्चा भी हो रही है। आम आदमी पार्टी फिल्टर करके जो अच्छे लोग हैं, जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, लोगों के बीच में प्रचलित हैं, लोकप्रिय हैं, उन सभी को हम अपने साथ जोड़ करके एक साझा इस तरीके का प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे कि हरियाणा के लोगों की आकांक्षाएँ उम्मीदें पूरी हो सकें। अनुराग जी, पूर्व राज्य मंत्री के बेटे झोली फैलाकर एक बार और मौका मांगने की जो है वो अपील कर रहे हैं वोटर, उनको ये सोच, उनको ये यही सबसे बड़ी कमी है कि हम झोली फैला करके वोट मांग लेते हैं, हम पैर पकड़ के वोट मांगते हैं, हम हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, लेकिन जब चुन के आ जाते हैं तो अपने आप को तानाशाह समझते हैं। यही थे जो घर आए हुए लोगों का, गांव से जब लोग इनके घर आते थे अपनी समस्याएं लेके, उनका सम्मान नहीं करते थे। यही थे जिन्होंने चाय पानी तक नहीं पूछा कलायत के लोगों को, यही थे जो कलायत के लोगों के दुख सुख में शामिल नहीं हुए और अब झोली फैला रहे हैं। जब लोग झोली फैला के इनके सामने अपनी समस्याएं लेके आते थे कि इनका समाधान इस झोली में डाल दीजिए, वो खाली हाथ वापस गए, वो खाली झोली वापस गए। मुझे पूरी उम्मीद है कलायत के लोग जैसे को तैसा इस बार इनको इसका जवाब ज़रूर देंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि कलायत के लोगों के जले पे नमक छिड़कने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जिस विधायक से, जिस मंत्री से सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं कलायत के लोग, जिन्होंने काम नहीं किया, सम्मान नहीं किया, कोई पूछ नहीं की किसी की, ऐसी विधायिका को दोबारा से मौका देकर के, दोबारा से टिकट देकर के जले पे नमक छिड़कने का काम किया, कलायत के लोगों को चुनौती दी है कि हमने तो इसी को दोबारा टिकट दे दी, कर लो तुमसे जो होता है। तो मैं कलायत के लोगों से आग्रह करता हूँ कि इस चुनौती को स्वीकार करें और इसका मुंहतोड़ जवाब इस बार भारतीय जनता पार्टी की विधायक की जमानत जब्त करा करके इस बार दें, ताकि आगे से कोई हमारे मान सम्मान के साथ कोई भी पार्टी इस तरीके का खिलवाड़ ना करे। कलायत की जनता का एक सवाल था कि विधायक जो है फोन नहीं उठाते, अब तुषार डांडा कह रहे हैं 24 घंटे कभी भी फोन करो, सुबह के 5 बजे भी फोन, क्योंकि अब वो विधायक नहीं रहेंगे ना, इसलिए 24 घंटे खाली हैं, उसके बाद आप कभी भी उनको फोन करो तब तो बात करेंगे। चुनाव से पहले जो बात करे, चुनाव से पहले जो बात करे वो प्योर नेता है, चुनाव के बाद भी जो बात करता रहे, लोगों के बीच में रहे, वो सेवक है। हमारी सेवक बनने की इच्छा है, हमारी नेता बनने की इच्छा नहीं है। कलायत का बेटा बन सके इतना ही बहुत है, कलायत में नेता बनने की कोई इच्छा नहीं है। बहुत जल्दी, आज भी मुमकिन है कि शाम तक हम दूसरी लिस्ट जारी कर दें और बहुत जल्दी आप देखेंगे हमारे 90 के 90 कैंडिडेट्स तैयार हैं, सब जगह पर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं और बहुत जल्दी आगे की लिस्ट जारी की जाएगी।